पहले हम गुरुजी को नमन करते हैं, उसके बाद हम माता सरस्वती को नमन करते हुए एक क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप भी मन ही मन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, विद्या आरंभम मंत्र। इसका प्रभाव ये होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं, उस समय आने पर वो चीज आपको याद आ जाती है। अक्सर ये होता है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें टाइम पे याद नहीं आता है। तो विद्या आरंभम मंत्र, ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्ताय सर्वा महेभ्रांशाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के ऊपर माता सरस्वती की कृपा रहे। तो आज का विषय है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसमें दो वर्ड आते हैं, एक आता है नेफ्राइटिस, एक होता है नेफ्रोटिक। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी से संबंधित बीमारी जो जिसके जो लक्षण है, इसमें सिंड्रोम मींस क्या होता है कि एक साथ कई सारे लक्षणों का होना। ये जो लक्षण होते हैं उनका एक तरह का समूह होता है। ये तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, जहाँ यहाँ पर नेफ्रॉन से रिलेटेड हम इस चीज को देखेंगे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कई तरह के लक्षण होंगे, उन समूहों को मिला के जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम मीन्स कई सारे लक्षणों का समूह। ओवरव्यू देख लेते हैं। आपको सामने पिक्चर है जिसमें हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। एफरेंट आर्ट्रियोल्स, जहां से ब्लड आता है, और ये बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। ये बोमेन कैप्सूल में यहाँ पर जाएगा, यहाँ से जो है रक्त फिल्टर होके फिर एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो है शरीर में आगे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्मूथ मसल से कवर होते हैं, एंडोथेलियल सेल होती हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, ये हो गया बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होगा। ग्लोमेरुलस मीन्स एक तरह की कैपिलरीज का गुच्छा जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है। इसमें कौन कौन सी सेल होती हैं, तो ये जो व्हाइट कलर में जो दिख रही है मैसेंजियल सेल है, ठीक है। फिर जो है उसके बाद काम आ जाता है ये पोडोसाइट सेल का, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं। फिर पोडोसाइट सेल हैं, और ये जो इनके छोटे छोटे दांत जैसे ये दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं फूट प्रोसेस। ये पोडोसाइट सेल के ही फुट हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड आएगा फिल्टर होकर, जो भी फिल्ट्रेट निकलेगा वो इन्हीं में से होते हुए पोड यहाँ एपिथी पेराइटल, ये क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये जो सेल है मैसेंजियल सेल किडनी के अंदर, फिल्ट्रेशन के बाद मैसेंजियल के बाद आएगा पोडोसाइट, पोडोसाइट के बाद पोडोसाइट के फुट प्रोसेस से होते हुए फिर यहाँ से जो है फिल्टर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मीन्स नेफ्रॉन से रिलेटेड यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसमें जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जब भी कोई फिल्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर ये सेल किसी भी तरह से डैमेज होंगी। जब ये सेल डैमेज होंगी तभी जो है
यहाँ पर फिल्ट्रेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, तो वो हम आगे अभी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे ठीक करेंगे। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी विकार है जो संकेतों और लक्षणों के एक समूह के द्वारा पहचाना जाता है जो किडनी की फिल्टरिंग इकाइयों को नुकसान के परिणाम स्वरूप होता है, जिसे ग्लोमेरुली कहा जाता है। अगर एक नेफ्रॉन है तो उसको ग्लोमेरुली कहते हैं और एक से ज्यादा है तो ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो इसमें किडनी की जो फिल्टरिंग इकाइयां हैं उन इकाई क्या है, फिल्टरिंग इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन है। तो जो नेफ्रॉन जब डैमेज होगा या उसको नुकसान होगा उसके परिणाम स्वरूप ये बीमारी आएगी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NS भी कह सकते हैं। तो अगर ये शब्द दोबारा आए तो आप इसका मीनिंग समझना कि मैं यहाँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ही बात कर रहा हूँ। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जो बड़े पैमाने पर प्रोटीनूरिया यानी प्रति घंटे 40 मिलीग्राम से अधिक, अगर ज्यादा मात्रा में यूरिन में निकल रहा है प्रोटीन, तो उसे यूरिन में जो प्रोटीन निकलता है उसे प्रोटीनूरिया कहा जाता है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन का आना। कौन से प्रोटीन की बात हो रही है यहाँ पे, प्रोटीन बहुत सारे हैं, लेकिन हम जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर जिस प्रोटीन की बात है वो प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में एल्बुमिन प्रोटीन के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दूंगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि यूरिन में प्रोटीन आना प्रोटीनूरिया कहलाता है। अगर यूरिन में प्रोटीन आएगा, कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन आएगा, तो शरीर में उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोएल्बुमिनिमिया, हाइपोएल्बुमिनिमिया, एल्बुमिनिया, यानी कि कमी हो जाना उसका। कमी क्या होगी, 30 ग्राम प्रति लीटर से कम हो जाता शरीर के अंदर, तो उसके लिए ये जिम्मेदार होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसके परिणाम क्या होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हाइपरलिपिडीमिया, एडिमा और विभिन्न जटिलताएं होती हैं। हाइपरलिपिडीमिया मींस ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा बढ़ जाती है। लिपिड क्या कहलाते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सब लिपिड के अंदर आते हैं, तो इनकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और क्या होगा, एडिमा होगा और कई तरह की और समस्याएं होंगी। किस कारण से होंगी, जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के दौरान यूरिन से प्रोटीन बाहर निकलेगा, कौन सा प्रोटीन निकलेगा, एल्बुमिन बाहर निकलेगा। तो जब एल्बुमिन प्रोटीन बाहर निकलेगा तो जो है शरीर में एल्बुमिन की कमी हो जाएगी, उस कमी के कारण जो है हाइपरलिपिडीमिया होगा, एडिमा होगा, ये सब जो है देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह रीनल ग्लोमेरुलस में डैमेज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन के माध्यम से बढ़ी हुई परमीएबिलिटी यानी पारगम्यता के कारण होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्यों होता है या प्रोटीन क्यों बाहर निकलता है, आप यहां पर समझेंगे। एक दूसरी पिक्चर में देखते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाँ, ये पिक्चर आपके सामने दिख रही है। यहाँ पर जो पोडोसाइट सेल थी ना, ठीक पोडोसाइट सेल के ऊपर आप देखिए ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहीं से ही सारा ब्लड फिल्टर होके पोडोसाइट में आएगा। मैसेंजियल सेल है ना, मैसेंजियल सेल के बाद ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से छन के पोडोसाइट में जाएगा, पोडोसाइट से फूड प्रोसेस के माध्यम से फिर जो है ये आगे फिल्ट्रेट निकल जाए। तो अगर ये जो लेयर है, ये बेसमेंट लेयर जो है, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी या क्षति हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या है, ये प्रोटीन के जो बड़े बड़े कण हैं वह भी जो है फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन के अंदर का, वुमेन कैप्सूल के अंदर का जो नॉर्मल साइज है
जो एक तरह से आप देखें छलनी के रूप में देख लीजिए। अगर छलनी का जो नॉर्मल साइज है तो इसमें क्या होता है कि ये परमिएबिलिटी, यहाँ पर जो भी फिल्टर किया जाता है वो किस तरीके से फिल्टर होता है, आप ये समझिए। जैसे यहाँ पर कोई कपड़ा है तो यहाँ से जो है जैसे उस पर पानी गिरेगा और फिर ये आगे निकल जाएगा, तो यहाँ पर परमिएबिलिटी यानी पारगम्य झिल्ली है, बहुत पतली है, तो उसमें से जो है कुछ जरूरी जो खराब चीजें हैं वो बाहर निकल जाएंगी, बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एल्बुमिन प्रोटीन या दूसरे हैवी मेट जो जरूरी है शरीर के लिए, ऐसे प्रोटीन जो है आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें होता क्या है कि किसी कारण से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये कमजोर हो जाती है। ये कमजोर हो जाने से, मान लीजिए आपने कभी ऐसा देखा हो कि गांव में या शहरों में पानी भरते हैं तो कपड़ा लगा देते हैं ताकि वो साफ पानी नीचे जाए, जो जो भी है कचरा उसमें छन जाता है। तो इसमें होता क्या है कि वो जो झिल्ली है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वो कमजोर होने से शरीर के इम्पोर्टेंट जो प्रोटीन है वो बाहर निकल जाते हैं, उनका शायद उनका छेद बड़े हो जाते हैं, आप ये समझ लीजिए, या जो छलनी है वो डैमेज हो जाने के कारण जो है तो छोटे कण भी निकल जाते हैं, बड़े कण जो जरूरी हैं वो भी निकल जाते हैं, तो जो प्रोटीन है वो बाहर यहाँ से निकल जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे से। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है यहाँ से फिल्ट्रेशन होने के बाद वो जो है आगे निकल जाएगा, तो ये अगर डैमेज हो जाएगी तो जरूरी प्रोटीन वगैरह सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लेयर देख सकते हैं, ये मैसेंजियल सेल हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर ये विस्सेरल लेयर है, ये आखिरी लेयर है, किसकी बनी हुई है, ये पोडोसाइट सेल के माध्यम से ये बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है, तो यहाँ पर जो मेन जिनका हम जरूरी काम देखेंगे वो यहाँ पर ये डैमेज होता है, किसके अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ नेफ्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, डैमेज यहाँ आगे पीछे भी हो सकता है, पर मेनली यहाँ पर जो है इस मेम्ब्रेन में गड़बड़ी आने के कारण ये समस्या आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह रीनल ग्लोमेरुलस में डैमेज्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन के माध्यम से बढ़ी हुई परमियेबिलिटी यानी पारगम्यता के कारण होता है। यह ग्लोमेरुलर परमियेबिलिटी, यहां पर जब मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं परमियेबिलिटी, तो ये वही है छानने की जो क्षमता है उसकी, परमियेबिलिटी पारगम्यता, जिसमें से यहां से छाना और आगे निकल गया है ना, तो ये जो है ना इसके अंदर से निकलना वो परमियेबिलिटी है। तो ये शब्द हो सकता है बार बार आए तो ध्यान रखिए, पारगम में एक जगह एक सरफेस से दूसरे सरफेस में आ जाना चीजों के। ठीक है, तो यह ग्लोमेरुलर परमियेबिलिटी की असामान्यता के परिणाम स्वरूप होता है, जो कि गुर्दे के लिए विशिष्ट रोग के साथ प्राथमिक भी हो सकता है, या कंजेनिटल इन्फेक्शन, कंजेनिटल मतलब कोई भी ऐसी बीमारी जो कि जन्म से होती है, ऐसी बीमारियों को कंजेनिटल कहा जाता है। इन्फेक्शन मतलब जन्मजात कोई इन्फेक्शन हो तो ऐसे बच्चों में ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम आ सकती है। और क्या कारण है, डायबिटीज यानी मधुमेह अगर किसी को है तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिडेमेटोसस यानी कि ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वैसे एक ल्यूपस करके एक बीमारी होती है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर है नियोप्लेजिया, नियोप्लेजिया में भी इसकी वजह से भी जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो नियोप्लेजिया क्या होता है, कॉमनली रेफर टू एज अ ट्यूमर और कैंसर। ठीक है, ये एक तरह के कैंसर हो सकते हैं, ट्यूमर हो सकते हैं, या एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स। ठीक है, तो ये अगर वहां पर ग्लोमेरुलस के आसपास या किडनी में किसी तरह का कैंसर डेवलप हो जाए तब भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, एनएस यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें हमने देखा कि एक और कारण है थ्रोम्बो एम्बोलिक,
थ्रोम्बो एम्बोलिक मीन्स होता है रक्त का थक्का जमना। एम्बोलस, एम्बोलस मीन्स उसी से रिलेटेड है वो। तो ब्लड क्लॉट को थ्रोम्बी बोला जाता है इन ब्लड वेसल्स विच कैन ब्रेक लूज एंड ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो फिर कहलाता है एम्बोलाइज, है ना, लीडिंग टू ब्लॉकेज इन अदर ब्लड वेसल्स। तो ये जो है बनते कहीं है और कहीं जाके फंस जाते हैं। तो अगर किडनी में किसी भी एरिया में जाके ब्लड का क्लॉट बन जाए तो उससे भी जो है वहां की सेल डैमेज होंगी, खत्म होना शुरू होंगी, और जो है ग्लोमेरुलर परमियबिलिटी यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की पारगम्यता की जो क्षमता है, फिल्ट्रेशन की जो क्षमता है, वो उसमें गड़बड़ी आएगा। यह कुछ दवाइयों के उपयोग के कारण भी हो सकता है, मेडिसिनल साइड इफेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है। अन्य बीमारियों में भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। एमाइलॉइडोसिस, एमाइलॉइडोसिस नाम की जो बीमारी है उसमें भी प्रोटीन यूरिया देखा जाता है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन आते हैं। अब एमाइलॉइडोसिस क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ रेयर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ एमाइलॉइड प्रोटीन फाइब्रिल्स। ये एक खास तरह का प्रोटीन है जिसके फाइबर जो है फाइब्रिल्स होते हैं, जो कि कई तरह के टिश्यू एंड ऑर्गन में मौजूद होते हैं। ये जो है इनसॉल्यूबल प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये किडनी में इनका ये बढ़ जाए मात्रा शरीर में, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। तो ये हमने एक मोटा मोटा ओवरव्यू देखा। अभी मैंने बोला था कि हम एल्बुमिन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि इस बीमारी में एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, यूरिन में आने से शरीर में हाइपो एल्बुमिनिमिया हो जाता है। तो एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन है जो कि हमारे रक्त में पाया जाता है। इट्स प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड सर्व वेरियस क्रूशियल फंक्शन इन द बॉडी। तो ये जो है हमारे लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक बार आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि ये लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर किसी के अंदर एल्बुमिन की कमी है, तो हमें अगर उसकी कमी को पूरी करना है तो हमें लीवर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। अगर लीवर कमजोर है, पहली चीज तो ये है कि अगर एक तो यूरिन से बाहर निकलना, दूसरा अगर किसी का लीवर कमजोर है तब भी हाइपो एल्बुमिनिमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये कई तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके बॉडी। तो ये क्या क्या फंक्शन करता है? इंक्लूडिंग मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर। ये शब्द अभी आने वाला है आगे, ऑन्कोटिक प्रेशर। ये क्या होता है? विच हेल्प रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ फ्लूड बिटवीन ब्लड वेसल एंड टिश्यूज। हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद है ब्लड वेसल और टिश्यू, उनके अंदर फ्लूड को रेगुलेट करना, आगे पीछे जो भी है ट्रांसपोर्टेशन का काम ये करता है। और क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये? वेरियस सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, फैटी एसिड एंड ब्लूरबिन, एंड एक्टिंग एज एन एंटी ऑक्सीडेंट। यानी कि ये एंटी ऑक्सीडेंट वो भी जो है उसकी तरह से ये काम करता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स के बारे में। तो ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का भी काम करेगा, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है। आगे पढ़ते हैं। एल्बुमिन के बारे में और क्या है स्ट्रक्चर? एल्बुमिन जो है, एल्बुमिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, मीनिंग इट हैज अ रफली स्फेरिकल शेप। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विथ 585 अमीनो एसिड। तो ये प्रोटीन से बनता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू बनेगा, इसका स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन देख लेते हैं इसके क्या फंक्शन है, क्योंकि सारा हम जो है इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। ये जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो फंक्शन है, पहला है मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर मींस जो मैंने बताया अभी कि एल्बुमिन हेल्प टू प्रिवेंट फ्लूड फ्रॉम
लीकिंग आउट ऑफ ब्लड वेसल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। तो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट का काम करना है, इसने फ्लूड को जो है इधर उधर भेजना है, है ना, उसको मेंटेन करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, इट ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस इन द ब्लड, क्या क्या है, हार्मोन्स जैसे थायरोक्सिन है, कॉर्टिजोल है, फैटी एसिड है और ब्लूरबीन। ब्लूरबीन का क्या है, अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन टूटने के बाद उसमें से ये ब्लूरबीन का ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड ड्रग्स, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका एक फंक्शन है, एक पहला हो गया मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट, तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट। तो एल्बुमिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट जो कि हेल्पिंग टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो भी हमारे रक्त के अंदर फ्री रेडिकल्स होंगे उनको ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। बाइंडिंग, बाइंडिंग का काम भी, इट बाइंड्स टू सर्टेन मेटल्स लाइक कैल्शियम एंड प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द ब्लड। तो ये हमारे शरीर में ब्लड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। कुछ बर्ड हैं जिनको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया हाइपोएल्बुमिनेमिया जो है, जब इसकी रक्त में कमी हो जाएगी तो क्या है, अ लो लेवल ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड कैन इंडिकेट, क्या क्या इंडिकेट कर सकता है, उस आदमी को लीवर डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है, मेल न्यूट्रिशन यानी कि उस न्यूट्रिशन की कमी, और अदर हेल्थ कंडीशन हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हाइपोएल्बुमिनेमिया होता है। दूसरा एक वर्ड है एडिमा, जो कि हम आगे इसमें पढ़ने वाले। तो एडिमिया क्या होता है, रिड्यूस एल्बुमिन लेवल कैन लीड टू फ्लूड एक्युमुलेशन इन द टिश्यू कॉजिंग एडिमा। तो आपने जो एक तरह की सूजन है, ये जब एल्बुमिन जो है कम होगा शरीर में तो शरीर में फ्लूड एक्युमुलेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जब यही कम हो गया तो फ्लूड प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और किडनी से बाहर नहीं निकलेगा, तो जो है शरीर में सूजन जमा हो जाए। खासकर पिटिंग एडिमा होता है, जैसे कहीं आपने दबाया और वहां गड्ढा पड़ गया, जैसे पैरों में है, आंखों के नीचे, चेहरे पर भी स्वेलिंग हो सकती है। तो ये एडिमा होता है, इसकी वजह से एल्बुमिन लेवल जब डाउन जाता है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में इसके लिए डॉक्टर लोग, अगर किसी को कम हो जाता है तो एल्बुमिन चढ़ाया जा सकता है, बाहर से दिया भी जा सकता है। ये जो है इन्फ्यूजन करके भी दिया जाता है, इंट्रावीनस भी देते हैं इसको, डॉक्टर अपने हिसाब, किस लिए देते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, मेजरमेंट देखा जाए तो एल्बुमिन लेवल आर टिपिकली मेजर्ड थ्रू ब्लड टेस्ट, ये ब्लड टेस्ट के द्वारा इसका पता लग सकता है। एक एडल्ट के अंदर कितना होता है सीरम एल्बुमिन, 3.5 एंड 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है, 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो देखा जाए तो एल्बुमिन प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ एंड एबनॉर्मलिटीज इन इट्स लेवल कैन इंडिकेट अंडरलाइंग मेडिकल इश्यूज दैट मे रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो ये एक बहुत बढ़िया अपना रोल जो है ओवरऑल हेल्थ के लिए अपना निभाता है, ठीक है। अगर एल्बुमिन नहीं होगा तो शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा एल्बुमिन क्लियर हो जाता है। अब हम वापस आते हैं अपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पर। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यह विकार सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। अधिकांश बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पहला लक्षण चेहरे की सूजन है, और वयस्क आमतौर पर जो है इनको डिपेंडेंट एडिमा के साथ ये होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों स्त्री और पुरुष, या किसी भी स्त्री पुरुष बच्चे, सभी में ये सभी को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह सामान्य रूप में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ भी हो सकता है।
इसमें जो है हेमेट्यूरिया और बिगड़ा हुआ गुर्दे का कार्य भी होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया मीन्स होता है यूरिन में ब्लड का आना। तो जब बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर किसी तरह से डैमेज होगी तो यहाँ से प्रोटीन तो लीक हो ही जाता है, कई बार आरबीसी भी लीक होने लगती है। तो जब आरबीसी लीक होंगी तब उसको बोलेंगे हेमेटूरिया, यानी कि यूरिन में ब्लड आना। और जब प्रोटीन लीक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन यूरिया। ठीक है, आगे बढ़ते। बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पहला संकेत, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, चेहरे की सूजन है और जो बाद में पूरे शरीर में फैल जाती है। तो इसकी कुछ नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम अब थोड़ा सा धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है प्रोटीन्यूरिया। तो गुर्दे आमतौर पर रक्त से विस्ट मटेरियल और अतिरिक्त पदार्थों को फिल्टर करते हैं, लेकिन वे एल्बुमिन जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन को बरकरार रखते हैं, यानी कि उसको फिल्टर नहीं करते हैं। वो शरीर में मेंटेन करने के लिए जो है रखा जाता है, तो उसको बाहर नहीं भेजा जाता है मोस्टली। तो गुर्दे आमतौर पर रक्त से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, अतिरिक्त जो भी और खराब तत्व हैं, उनको फिल्टर करते हैं, लेकिन वे एल्बुमिन जैसे महत्वपूर्ण प्रोटीन को बरकरार रखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ग्लोमेरुली लीक हो जाती है, जिससे ग्लोमेरुली लीक, जो मैंने अभी आपको बताया बेसमेंट मेम्ब्रेन से ग्लोमेरुलस के अंदर, तो ग्लोमेरुली लीक हो जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में प्रोटीन विशेष रूप से एल्बुमिन यूरिन में प्रवेश कर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन यूरिया होता है जो कि गंभीर हो सकता है। पहली विशेषता ये हो गई नेफ्रोटिंग सिंड्रोम की। ठीक है, दूसरा है हाइपो एल्ब्यूमिनिमिया। शब्द बड़े कठिन होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन भी। तो हाइपो एल्ब्यूमिनिमिया, एल्ब्यूमिनिमिया, तो मूत्र में एल्बुमिन की कमी के कारण रक्त में एल्बुमिन का स्तर कम हो जाएगा। स्वाभाविक है, जब यूरिन में निकलेगा तो बॉडी में कम हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे हाइपो एल्बुमिनिमिया। तो एल्बुमिन एक आवश्यक प्रोटीन है जो कि शरीर में फ्लूड को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है और हार्मोन और अन्य पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करता है। ये दूसरी विशेषता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को, ये दो विशेषताएं उनके अंदर देखी जाएंगी। एक तो प्रोटीन आएगा उनकी यूरिन में और दूसरा उनके शरीर में एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाएगी, जो कि ब्लड टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं। तीसरा है एडिमा। तो रक्त में एल्बुमिन के घटते स्तर से ऑन्कोटिक दबाव, जो मैंने अभी बताया था कि वह बल जो रक्त वाहिकाओं के अंदर बॉडी फ्लूड को बनाए रखता है, मेंटेन करता है आगे पीछे जो भी करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस तरह के ऑन्कोटिक दबाव बोलते हैं उसको। तो रक्त में एल्बुमिन के घटते स्तर से ऑन्कोटिक प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ बाहर आ जाता है। इसका मतलब ब्लड वेसल जो है उसके अंदर जो भी फ्लूड बह रहा है वो उनसे बाहर आ जाएगा, और कहाँ आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है उसमें वो फ्लूड आ जाएगा, ECF के साथ मिल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है और आसपास के टिश्यू में चला जाता है। तो जो रक्त वाहिकाएं हैं उनके आसपास जो टिश्यू है, उनके सराउंडिंग जो है बॉडी फ्लूड जमा हो जाता है, और यह जो है सूजन का कारण बनता है। आमतौर पर ये पैरों में, टखनों में और आंखों के आसपास ये दिखाई देता है। एडिमा शरीर के अन्य भागों में भी हो सकता है। ठीक, तीसरी विशेषता होगी, पहली विशेषता प्रोटीनूरिया, दूसरा है हाइपो एल्बुमिनिमिया यानी कि एल्बुमिन की कमी, तीसरा हो गया एडिमा। अब चौथी विशेषता क्या है? हाइपरलिपिडिमिया, यानी कि लिपिड के ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। तो प्रोटीन विशेष रूप से एल्बुमिन के नुकसान की भरपाई करने के लिए, जो विशेष रूप से एल्बुमिन जो कम हो गया है उसकी भरपाई करने के लिए लीवर लिपोप्रोटीन का उत्पादन बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ जाता है। और आपको पता है जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारी आर्टरीज वेन्स में जमने लगेगा और उससे हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आएगी। तो ये स्तर क्यों बढ़ रहा है?
क्योंकि शरीर में एल्बुमिन की कमी हुई, एल्बुमिन कमी हुई तो लीवर उसको पूरा करने के लिए लिपोप्रोटीन बनाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति को हाइपरलिपिडेमिया के नाम से जाना जाता है। ये चौथी विशेषता हुई। पांचवी विशेषता क्या है? थ्रोम्बोसिस का खतरा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम रक्त संरचना में परिवर्तन और थक्कों के कारणों में वृद्धि के कारण रक्त के थक्के जो है जमने का जोखिम बढ़ जाता है। जब आपके शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो शरीर में जो है एम्बोलस है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो ये रक्त के थक्के जो है जमने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हो गई उसके फीचर्स, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषताएं। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहां पर हम जाने से पहले आपको मैंने बोला था कि नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिस का डिफरेंस आपको क्लियर कर देंगे। यहां पर ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब होगा तो एडिमा दिखाई देगा, पिक्चर में आप देखिए एडिमा होगा, पेल स्किन, फिशर हो सकते हैं, हाइपरलिपिडेमिया, प्रोटीनोरिया, वॉमिटिंग और टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्यों होगा? हाइपरलिपिडेमिया के कारण, ठीक है, वॉमिटिंग होगी। प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन आएगा और लिपिड बढ़ जाएगा, स्किन जो है ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, पेल स्किन, फिशर होंगे, है ना, एडिमा होगा जो कि चेहरे से शुरू। ये हो गया नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये है नेफ्राइटिक, नेफ्राइटिस, यहां पर इसको टिस पढ़ेंगे। तो इसका जो मेन लक्षण होता है, इसमें हेमेटूरिया जुड़ जाता है, यानी कि ब्लड आना शुरू हो जाता है यूरिन में, तब वो नेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी इसमें प्रोटीन यूरिया तो होगा ही होगा, ठीक है। फिर जो है यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा, आउटपुट कम होने से हाई ब्लड प्रेशर होगा, उसकी वजह से फिर जो है नाइट्रोजन वगैरह भी शरीर में बढ़ेंगे, तो फिर जब यूरिया और वो सब बढ़ेगा तो ब्लर विजन भी हो सकता है। एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि इसमें यूरिन में ब्लड भी आने लगता है, ठीक है। दूसरा, इसमें इन्फ्लामेशन भी होगा, नेफ्राइटिस सिंड्रोम। अब हम पढ़ते हैं कॉज, इसके क्या क्या कॉज होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सामान्य प्राथमिक कारण जो है आंतरिक किडनी रोग है, जैसे कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, जो मेम्ब्रेन से रिलेटेड है वहां पर नेफ्रोपैथी डेवलप हो जाती है, या किसी तरह का चेंजेस हो वहां पर, या स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस जो वर्ड है हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे अगर कहीं नर्व डैमेज हो रही है तो उसकी जगह पर भी, वहां भी हम जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की जो बीमारी होती है नर्व से रिलेटेड है। इसी तरह से बोन के लिए भी स्क्लेरोसिस वर्ड का यूज किया जाता है। किसी भी तरह से सेल का खत्म होना स्क्लेरोसिस कहलाता है, आप ये याद रखें। तो ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, ये प्राइमरी कॉजेज में क्या हो गया कि जो कुछ इंटरनल किडनी डिसीज जो होती हैं उनमें किसी तरह का चेंजेस हो, नेफ्रोपैथी हो, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो, ये इसके प्राथमिक कारण होते। सेकेंडरी कॉजेज में सिस्टेमिक डिजीज शामिल होती हैं, यानी कि किसी दूसरी बीमारी के कारण वो डेवलप होता है, ठीक है। तो सिस्टेमिक डिजीज जो कि बॉडी के सिस्टम से जुड़ी हुई ऐसी बीमारियां हैं जो कि घर बना लेती हैं शरीर में, आप ये मान के चलें इसको, तो उन बीमारियों की वजह से भी ये हो जाता है। वो कौन कौन सी बीमारियां? एक तो ल्यूपस एरिथेमेटोसस, एक ल्यूपस बीमारी है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। दूसरा है डायबिटीज मेलिटस, तीसरा है अमाइलॉइडोसिस, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि खास तरह का ये प्रोटीन है। सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कॉज है, सेकेंडरी कॉज इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो पहला है सेकेंडरी कॉज में ल्यूपस एरिथेमेटोसस जैसी बीमारियां, डायबिटीज मेलिटस, एमाइलाइडोसिस और जन्मजात वंशानुगत
फोकल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस, ठीक है। पोडोसाइट प्रोटीन, खास तरह के जो प्रोटीन है वो पोडोसाइट को डैमेज करने वाले प्रोटीन, या उसके प्रति एंटीबॉडी डेवलप हो जाए शरीर में, जैसे पोडोसिन, नेफ्रिन या केसन। चैनल 6 प्रोटीन में अनुवांशिक जो जेनेटिकली चेंजेस हो जाए, अगर उसमें चैनल 6 एक प्रोटीन है, ये थोड़ा काफी डीप हो जाएगा, तो खाली याद रखने के लिए कि जो पोडोसाइट जो सेल है उनको किसी भी तरह से डैमेज होना, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। संक्रामक रोगों के रूप में विशेष तरह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लगभग आधे मामलों में एक ट्रिगर कारक है। क्या? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, वहां पर अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो लगभग आधे मामलों में ये ट्रिगर कारक है, और एक तिहाई मामलों में एलर्जी की प्रतिक्रिया, जो एलर्जी के लिए इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो जो है एक तिहाई मामलों में ऐसा देखा गया है, और शायद ही कभी कीट का काटना या टीकाकरण की वजह से भी होता, पर ये शायद है, कंफर्म नहीं है। हाँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हेरोइन सहित नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारण भी हो सकता है। ऐसे लोग जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमने एक थोड़ी मोटी मोटी जानकारी पढ़ी इसके कारणों के बारे में। अब इनके एक एक कारण को हम जो है देखते चले जाएंगे। तो एक मेजर कारण हो गया मधुमेह, ऐसे पेशेंट में अक्सर देखा जाएगा कि वो डायबिटीज के शिकार रहेंगे। दूसरा है जो इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां, वो बहुत सारी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है ल्यूपस, एरिथेमेटोसस, इसको थोड़ा सा आपको कंफर्म कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, बार बार ये शब्द आ रहा। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ तो आपको जो है समझने में आसानी होगी। ल्यूपस एक जो है क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, दैट कैन अफेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के कई हिस्सों को ये अफेक्ट करता है, जैसे चमड़ी, जॉइंट, किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्लड वेसल एंड ब्रेन, ठीक है। इन एरिया को ये अटैक करते, ये अफेक्टेड होते हैं, यानी कि बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स के ऊपर ये अफेक्ट करता है। ऑटो इम्यून डिजीज लाइक ल्यूपस, इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक हेल्दी टिश्यूज, तो इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी के कारण हमारे शरीर के हेल्दी टिश्यूज को भी जो है डेवलप कर दिया। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक बहुत खास तरह की जो है थकान ऐसे लोगों को होती है, ज्वाइंट में सूजन, दर्द और ये सारी चीजें होती है, जैसे हाथों में, रिस्ट में, नीज में, एंकल्स में, स्किन पे रैशेस भी आते हैं इनको, ठीक है। और इसकी खास पहचान है बटरफ्लाई शेप्ड रैश, जो तितली होती है उसके जैसे शेप रहेंगे, रेस जो आएंगे ना वो उसके जैसा शेप रहेगा, तो आप इस चीज से आप पहचान सकते हो कि इसको जो है ल्यूपस की प्रॉब्लम है, ठीक है। कहाँ कहाँ आएंगे ये, रेस अक्रॉस दी चीक्स एंड नोज, तो जो हमारे गाल और नाक के आसपास आप ये देख सकते हैं, ठीक है। सूरज की रोशनी से भी ये जो है ट्रिगर हो जाते हैं और इनको रेसेस बढ़ जाते हैं। फीवर रहेगा, लो ग्रेड, हमेशा हल्का हल्का बुखार बना रहना। फोटो सेंसिटिविटी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू सनलाइट, जब भी सूरज की रोशनी में जाएंगे तो चमड़ी लाल हो जाएगी और जो है जलने लगेगी। माउथ और नोज सोर, मुंह में जो है पेनफुल अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, ठीक है, नाक में भी हो सकते हैं। रेनॉल्ड फेनोमेना, फिंगर्स एंड टोज टर्निंग व्हाइट और ब्लू इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड और स्ट्रेस, हेयर लॉस होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी तो प्लूरसी यानी कि लंग्स में पानी भी भर सकता है, और इसी की वजह से जो है किडनी सच एज प्रोटीन और ब्लड इन द यूरिन, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जो ऐसे पेशेंट में प्रोटीन भी यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। ये हो गया ल्यूपस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SLE, और न्यूरोथेरेपी में इसका ट्रीटमेंट है
गुरुजी ने इसके लिए ट्रीटमेंट बनाया, बस हमें जो है ऑटोइम्यूनिटी को ठीक करना है। मेडिकल फील्ड में क्या देते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, स्टीरॉइड, कार्टिको स्टीरॉइड जो हम एड्रेनल ग्लैंड से एक्टिवेट करते हैं, वो ये जो है इम्यूनो सप्रेजेंट के रूप में दिया जाता है ऐसे पेशेंट को, ताकि इम्यून सेल्स को सप्रेस किया जाए। तो अभी ये SLE शब्द बार बार आएगा, तो आप इसको ठीक से समझिए, याद रखना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स के मामले में पहली बीमारी हो गई ल्यूपस, दूसरा है एंटीबॉडी वैस्कुलाइटिस, बर्जर डिजीज, ग्लोमेरुली एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शियस नेफ्राइटिस, ये भी एक कारण है। फिर एंटी न्यूट्रोफिल, साइटोप्लाज्मिक न्यूट्रोफिल्स, गुड पास्चर सिंड्रोम, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनोप्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये भी एक बीमारी है जो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से आती है। तो यहाँ पर जिन बीमारियों का मैं नाम ले रहा हूँ, उन बीमारियों की वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम डेवलप होगा। और ये बीमारियां कौन से सेक्शन में आती हैं, ये हमारे शरीर के एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो ऑटो इम्यून डिजीज है उनके अंदर ये आती है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी, फिर एलो एंटीबॉडीज फ्रॉम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और टॉक्सिसिटी ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और गोल्ड सॉल्ट, तो ये जो है कुछ डिजीज है जिनकी वजह से ये होगा। थर्ड है इन्फेक्शन, अभी हमने देखा ऑटो इम्यूनिटी एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो है प्रॉब्लम, जिन डिजीज जो भी डिजीज होती है उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। थर्ड है इन्फेक्शन, तो अगर किसी इंसान के अंदर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV हो, हेपेटाइटिस बी का वायरस, हेपेटाइटिस सी, साइटोमेगालो वायरस और पार्वो वायरस B1, प्री एक्लेम्सिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एमाइलाइडोसिस अभी बताया था, एंड पैरा प्रोटीनेमीजिया, पैरा प्रोटीनियाज, प्रोटीनिमियाज, ओके। तो द मोस्ट कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन इज मिनिमल चेंज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन वाइट एडल्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली ड्यू टू मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, किसी भी तरह से मेम्ब्रेन का खत्म हो जाना या डैमेज होना। और ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस अगर किसी भी कारण से बच्चों में जो किडनी के अंदर मौजूद ग्लोमेरुलस है उनमें, उनके जो नेफ्रॉन है उनमें इन्फ्लामेशन आ जाए, तो उसकी वजह से ये कॉमन कॉज है। कौन सा कॉमन कॉज है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। और किसी किसी में ये देखा गया है कि ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस भी अगर हो जाए तो उसके कारण, स्क्लेरोसिस मतलब खत्म ही हो जाना एक तरह से, तो उसमें भी ये चीज आप देख सकते हैं। एक और परिदृश्य में जहां नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीनीरिया हो सकता है वह गर्भावस्था के तीसरी तिमाही में होता है, जो एक क्लासिकल प्री एक्लेम्सिया खोज है, हालांकि यह नए सिरे से शुरू हो सकता है या क्रॉनिक किडनी डिसीज पर पहले से लागू हो सकता है, या फिर किसी को बहुत पहले से ही प्रोटीन एरिया रहा हो जो कि गर्भावस्था के दौरान खराब हो गया, तो उन लोगों में भी ये देखा जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में दवाइयां क्या देते हैं डॉक्टर, उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको, मेनली वही है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयां होंगी जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेजेंट के रूप में दिए जाते हैं। इसकी आपको पैथोफिजियोलॉजी, ये थोड़ा सा डीप रहेगा इसको समझने के लिए, तो पानी वगैरह पी लें, थोड़ा सा एक मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। क्लास ठीक चल रही है, समझ में आ रही है?
एक्चुअल में ये क्लास जो है सभी के लिए है, जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं उनके लिए भी है, और जिन्होंने अभी अभी कुछ सीखा है तो उनके लिए भी है। तो हमें इसमें सभी तरह का मटेरियल इंक्लूड करना पड़ता है ताकि नए बच्चे भी सीख सकें और जो पुराने जो लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ मैटर इसमें रहता है। चलिए अभी हम जो है क्लास को फिर आगे बढ़ाते हैं। यहां से थोड़ा सा आपका डीप नॉलेज शुरू होगा। पैथोफिजियोलॉजी, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम द्वारा पंक्तिबद्ध होती हैं, यानी कि एक लाइन में होती हैं, जो कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती है। ये यहाँ देख लीजिए, नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल इस तरीके से डैमेज हो जाती है, ये नेक्रोसिस है। सेल बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल सूख जाती है, पिचक जाती है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता, खत्म ही हो जाती है वो धीरे धीरे। ये पिक्चर में आप देखते रहिए, जो भी है समझ में आएगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर आप देखें, ये जो है एक डायबिटिक एल्बुमिनूरिया की कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्रोटीन है देखिए इस तरीके से ये बाहर निकलता है, और एक नॉर्मल कंडीशन क्या है वो आप यहाँ देख सकते तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम द्वारा एक लाइन में होती हैं, जो कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो मैंने आपको बताई थी पर स्थित होती है, जो ग्लोमेरुलर एपिथीलियम या पोडोसाइट से ढकी होती है। यहाँ पर आपको एक सरल डायग्राम दिखाते हैं। हाँ, ये यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम द्वारा पंक्तिबद्ध होती हैं, एक लाइन में होती हैं, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्थित होती है, जो ग्लोमेरुलर एपिथीलियम या पोडोसाइट से ढकी होती है, जो कैपिलरीज को कैपिलरीज के सेलुलर एक्सटेंशन के साथ कवर करते हैं, जिन्हें फुट प्रोसेस कहा जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया है फुट प्रोसेस क्या है, ठीक है, तो पिक्चर में देख के आप समझ लीजिए। ये प्रक्रियाएं स्पेशल सेल सेल जंक्शन के साथ अंतः विभाजित होती हैं, जिन्हें स्लिट डायफ्राम कहा जाता है, जो मिलकर ग्लोमेरुलर फिल्टर बनाते हैं। आमतौर पर बड़े प्रोटीन, प्रोटीन को यहाँ पर एक साइज दिया है, 69 KD से अधिक के जो प्रोटीन है उनको फिल्ट्रेशन से बाहर रखा जाता है, यानी कि उनको बाहर नहीं, मतलब यूरिन में नहीं मिलाया जाता, उनको बाहरी ब्लड में रखा जाता है 69 KD से अधिक के। तो एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान के ऊपर पोडोसाइट के विनाश से, पोडोसाइट सेल के डैमेज होने से अपरिवर्तनीय ग्लोमेरुलर क्षति भी होती है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर के माध्यम से प्लाज्मा एल्बुमिन का नुकसान 0.1% से कम होता है। नॉर्मली जो है एक 0.1% एल्बुमिन यूरिन में आ जाता है, बहुत कम, मतलब 1% भी नहीं है, 0.1% से कम आता है, ठीक है। नॉर्मल किससे आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर, इसी हिस्से को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर बोला जाएगा, ठीक है, यही बैरियर है एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते, प्लाज्मा पानी और सॉल्यूट का फिल्ट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलरी रूप से और फिल्ट्रेशन स्लिट और एंडोथेलियल फेनेस्ट्रे के माध्यम से होता है। ग्लोमेरुलर चेंजेस जो प्रोटीनूरिया का कारण बन सकते हैं, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियल सरफेस या पोडोसाइट को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रोटीन यूरिया में एल्बुमिन मुख्य घटक है, जो कि 85% है। एल्बुमिन शुद्ध ऋणात्मक आवेश
वहन करता है, यानी कि ये जो है नेगेटिव चार्ज इसके पास होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज का नुकसान, नेगेटिव चार्ज के नुकसान के कारण जो नुकसान एल्बुमिनूरिया यूरिन में एल्बुमिन का आना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लोमेरुलर परमियबिलिटी, परमियबिलिटी मीन्स पारगम्यता में एक सामान्यीकृत दोष गैर चयनात्मक प्रोटीन यूरिया से जुड़ा होता है, जिससे विभिन्न प्लाज्मा प्रोटीनों का ग्लोमेरुलर रिसाव होता है। यह घटना प्रोटीन यूरिया के कारणों को स्पष्ट रूप से अलग करने की अनुमति नहीं देती। तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि इसकी इंटरनल क्या रचना होती है, क्यों ये बीमारियां आती हैं। अब हम एडिमा के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमिया, एडिमा, तो इसकी दो थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। एक है अंडरफिल हाइपोथेसिस और दूसरी है ओवरफिल हाइपोथेसिस। ये क्या होती है, पहले हम देखेंगे अंडरफिल हाइपोथेसिस। तो बढ़ी हुई ग्लोमेरुलर परमियबिलिटी, जब ग्लोमेरुलर परमियबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, शरीर से इम्पोर्टेंट प्रोटीन बाहर निकल जाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, एल्बुमिनूरिया का कारण ये बनेगा। ठीक है, तो बढ़ी हुई ग्लोमेरुलर पारगम्यता कह लीजिए या परमिएबिलिटी कह लीजिए एल्बुमिनूरिया का कारण बनती है, जो अंततः हाइपो एल्बुमिनिमिया का कारण बनती है। ठीक है, नतीजतन क्या होगा, हाइपो एल्बुमिनिमिया के परिणाम स्वरूप प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक दबाव में गिरावट आएगी, जो हमने अभी बात की थी एक तरह का ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, वो आगे आएगा अभी। तो एक और प्रेशर होता है कोलाइड ऑस्मोटिक दबाव, वो गिर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में पानी का ट्रांसकैपिलरी फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। इसके बाद यह प्रक्रिया एडिमा के विकास की ओर लेके जाती है। कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी कि रक्त के द्वारा किसी कैपिलरी पे लगाया गया प्रेशर, और ऑन्कोटिक प्रेशर जो है जब ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड उस दौरान जो प्रेशर कहलाएगा वो ऑन्कोटिक प्रेशर कहलाएगा, जो कि किसके माध्यम से होता है, अपना एल्बुमिन के माध्यम से। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर वेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टीशियम में द्रव की जो फ्लूड की गति को नियंत्रित करते हैं। वेस्कुलर कंपार्टमेंट जो है इंटरस्टीशियम में, इंटरस्टीशियम जो है ब्लड से रिलेटेड ही है। प्रोटीन सामग्री मुख्य रूप से ऑन्कोटिक दबाव निर्धारित करती है। एडिमा होने के लिए फिल्टर किए गए द्रव यानी फ्लूड की मात्रा अधिकतम लिम्फेटिक फ्लो से अधिक होनी चाहिए। लिम्फेटिक फ्लो से अधिक किसकी मात्रा होनी चाहिए, एडिमा कब होगा, जब जो बॉडी फ्लूड है वह लिम्फेटिक फ्लूड से ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक प्रवाह से अधिक होनी चाहिए, जो कम पर्याप्त इंट्रावेस्कुलर ऑन्कोटिक प्रेशर और पर्याप्त हाई इनफ कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इसके परिणाम स्वरूप प्लाज्मा की मात्रा कम हो जाती है, साथ ही गुर्दे के माध्यम से सोडियम और वाटर रिटेंशन की शरीर में वृद्धि होती है। ये तो हो गई पहली हाइपोथेसिस, अंडरफिल हाइपोथेसिस, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि शरीर में इसके परिणाम स्वरूप प्लाज्मा की मात्रा कम हो जाती है, और साथ ही जब प्लाज्मा की मात्रा कम होगी तो गुर्दे के माध्यम से सोडियम और वाटर रिटेंशन की शरीर में मात्रा वृद्धि हो जाती है। ओवरफिल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यह कहा गया कि गुर्दे की नलिकाओं में आंतरिक दोष के कारण सोडियम को जो बाहर निकालने में है उसकी उसमें गिरावट आ जाती है, किसी कारण से सोडियम बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा तब होता है जब इंट्रा एल्बुमिन प्रोटीन सीधे रीनल एपिथीलियम जो है सोडियम रीएब्जॉर्प्शन का कारण बनता है। तो पहला ये हो सकता है कि सीरम एल्बुमिन का स्तर गिरने से पहले ही सोडियम रिटेंशन होता है। दूसरा ये हो सकता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले कई रोगियों में इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम सामान्य या बढ़ा हुआ होता है। तो ये दो तरह की हाइपोथेसिस हैं कि इनकी वजह से ये हो सकता है, क्या हो सकता है, एडिमा। ठीक है,
अभी हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा और है, शारीरिक जांच। आप कैसे पहचानेंगे, किन किन चीजों से पता करेंगे कि भाई जो है ऐसे किसी व्यक्ति को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। तो एडिमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे प्रमुख लक्षण है, पहला लक्षण सूजन, शरीर में सूजन आएगी। यह शुरुआत में यह आंखों और पैरों के आसपास विकसित होगी, फिर समय के साथ एडिमा पूरे बॉडी में फैल जाएगा, उसकी वजह से वजन बढ़ने लगेगा, फिर जो है लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाएगा, पेट में पानी भरना शुरू हो जाएगा। जब पेट में पानी भरता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसाइटिस, और जब लंग्स में पानी भरता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, तो ये इस सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, हेमेटूरिया और उच्च रक्तचाप मौजूद हो सकते हैं, हालांकि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अधिक प्रमुखता से देखे जाते हैं। तो मोस्टली क्या क्या देखा जाएगा, मोस्टली जो लक्षण होगा वो होगा एडिमा। एडिमा जो है शुरुआत में आंखों में, पैरों में, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में पानी बढ़ने लगेगा, पेट में, लंग्स में। ठीक है, और फिर इसी की वजह से जो है और ज्यादा जब ये डैमेज हो जाएगा तो यूरिन में रक्त भी आने लगता है, क्योंकि जो परमियाबिलिटी बढ़ जाती है, पारगम्यता बढ़ने से आरबीसी के जो कण हैं, आरबीसी सेल जो है वो भी यूरिन में आने लगती है। ठीक है, जांच में अतिरिक्त विशेषताएं अलग अलग हो सकती हैं। तो उसके लिए देखा जाए तो लंबे समय से चली आ रही किसी को डायबिटीज की बीमारी है, तो ऐसे लोगों को जो है नेफ्रोपैथी हो सकती है। यदि गुर्दे की कार्य प्रणाली खराब हो तो रोगी को एनीमिया, उच्च रक्तचाप या दोनों हो सकते हैं। एनीमिया कब होगा, जब जो है यूरिन से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। आप इसमें यूरिन का परीक्षण भी कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट करेंगे। यूरिन तो यूरिन में आपको जो है एल्बुमिन प्रोटीन वगैरह जो भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, किसी तरह के सॉल्ट आ रहे क्या, वो आपको सब देखने को मिलेंगे यूरिन रिपोर्ट। ब्लड टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं, ब्लड टेस्ट जो है उसमें सीरम एल्बुमिन का टेस्ट किया जाएगा, फिर तो उसमें आपको क्रिएटिनिन वगैरह भी देखना है, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए लिपिड प्रोफाइल वगैरह करानी पड़ेगी। सेरोलॉजिकल अध्ययन, इसमें जो है जो एंटीबॉडीज हैं, सीरम ग्लूकोज है और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, हेपेटाइटिस बी सी, ये सब देखना पड़ेगा कि किन वजहों से कहीं इसके अंदर जो है ऑटो इम्यूनिटी की वजह से तो नहीं हो रहा है। सोनोग्राफी में हम किडनी, जैसे किसी की एक व्यक्ति, कोई एक इंसान जो है एक किडनी के ऊपर जीवित है, उसकी एक ही किडनी है, तो उसको फोकल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। स्क्लेरोसिस की पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए, ये देखिए। तो सेल अपनी तरफ से डैमेज होना शुरू हो जाती है जब किसी चीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि एक किडनी वाला इंसान जो है उसको एक ही किडनी को शरीर का सारा फ्लूड संभालना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, स्क्लेरोसिस होगा वो, यानी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर किसी को फोकल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस है तो उसकी किडनी की बायोप्सी की जाएगी, बायोप्सी से ये पता चलेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। ठीक है, इंटरनल फाइब्रोसिस भी हो सकता है, तो गुर्दे की बायोप्सी से कई तरह की चीजों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फिजियोलॉजी और एनाटॉमिकल बेस। अब गुरुजी की ऐसे मामले में क्या सोचती, थोड़ा गुरुजी ने भी लिखा है इस बीमारी के बारे में, वो हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जाए। तो एक अन्य पहलू गुरुजी के द्वारा, यह बीमारी एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन से आती, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जो कि ग्लोमेरुली के अंदर इंफ्लामेशन पैदा करती है। 95% रोगियों में यह बीमारी तब आती है जब 1 से 3 हफ्ते के पहले शरीर में कहीं और ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकी नामक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ होता है। ये गुरुजी का अपना अनुभव रहा है, उन्होंने ये देखा, जो चाहे गले में, चमड़ी में या टॉन्सिल्स में हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि किडनी इस इन्फेक्शन के कारण खराब, ये भी मतलब पक्का नहीं है कि इसी की वजह से हुआ हो, पर ऐसा हो सकता है। पर इन्फेक्शन के कुछ दिन बाद उस एंटीजन के विरुद्ध शरीर जो एंटीबॉडी बनाती है, उनके एक दूसरे के आपस में लड़ने के परिणाम स्वरूप जो चीज बनती है वह सख्त होती है और किसी भी तरह घुलती नहीं है।
ये हमने किसमें देखा था, एमाइलाइडोसिस में भी हमने देखा था कि उसके फाइब्रिल भी घुलते नहीं है, ये कुछ कुछ सेम चीज है। और वह चीज खास तौर पर ग्लोमेरुलस के बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन हम देख चुके हैं जहां से फिल्ट्रेशन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में अटक जाती है जिससे कि वह काम करना बंद कर देती। फिर किडनी के मैसेंजियल सेल्स फूल जाते हैं, देख लीजिए मैसेंजियल सेल्स कहाँ पर है, ये देखिए ये वाले सेल है, ये दिख रहा है नीले कलर का, ये मैसेंजियल सेल किडनी के। तो फिर किडनी के मैसेंजियल सेल फूल जाते हैं और उनमें व्हाइट ब्लड सेल भी आकर अटक जाती है। जब फूल जाएंगी सेल तो वहां का जो है सरफेस जो है टाइट हो जाएगा, तो वहां वो भी आके फंसने लगेगी, जिससे इन्फ्लामेशन के असर से अधिकांश ग्लोमेरुली के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। और जो थोड़े बहुत ग्लोमेरुली काम करने योग्य हैं उनके छलनी के अंदर से लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी और प्रोटीन लीक हो जाते हैं यानी निकल जाते हैं, जिसके कारण किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। अधिकांश लोगों में यह इन्फ्लामेशन खत्म हो जाता है और किडनी कुछ ही हफ्तों व महीनों में फिर से ठीक काम करना शुरू कर सकती है। मैसेंजियल सेल्स वे सेल्स हैं जो किडनी की एपिथीलियम यानी बाहरी परत तथा एंडोथीलियम यानी अंदरी परत के बीच में। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी हुआ कंप्लीट, अब हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए मैं स्क्रीन आपके सामने रखता हूँ। जी ठीक है। यूरिन के लिए अगर ऐसे पेशेंट में यूरिन कम आ रहा है या चाहे स्क्लेरोसिस हो या डैमेज हो किडनी, तो हम किडनी के लिए जो टारगेट ट्रीटमेंट के रूप में देते हैं वो हम 2x10^6 देते हैं। दूसरा, हम इसमें इसी तरह का अगर वहां ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए हम पी हेपरिन दे सकते हैं, ठीक है, या जी हेपरिन भी दिया जा सकता है। इन्फ्लामेशन अगर है वहां पर तो हम 6 ADR देंगे या अपना इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देंगे। अगर एसिडोसिस की कंडीशन है तो हम वहां पर ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। और अगर शरीर में एसिडोसिस को कम करने के लिए ऐसे ट्रीटमेंट, एंटीबॉडी को रोकने के लिए किसी भी तरह का जो ऑटो इम्यूनिटी उसको रोकने के लिए हम 2x10^6 देते हैं, इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट है, एंटी ऑटो इम्यूनिटी ट्रीटमेंट है, वो दिया जा सकता है इसमें। अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी है तो हम न्यूट्रल ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं, किडनी फेलियर के कारण हुआ है तो 2x10^6 देंगे। और अगर डायबिटीज है तो फिर हमें उसमें डायबिटीज को ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इंसुलिन ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है पेनक्रियास को ठीक करने वाले ट्रीटमेंट हम देंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ कुछ ट्रीटमेंट लिख दिए हैं, इन्फ्लामेशन है, स्टेरॉइड का अगर साइड इफेक्ट हुआ है तो इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट देंगे, और डाइजेशन के लिए जो है आप जो डाइजेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर अगर इम्यूनिटी ज़्यादा है तो उस समय आपको फिर थाइमस नहीं देना है, इसका ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं देना है जिससे ऑटो इम्यूनिटी और बढ़ जाए। डाइजेशन के लिए आप इसमें बेटरन्यूगोल भी दे सकते हैं, न्यू यूडीएफ चेंज है, ओल्ड यूडीएफ है,
HCL वगैरह है। HCL जो है प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रीटमेंट हुए। यहाँ पर हमारी क्लास होती है कंप्लीट। अभी सभी लोग अपना, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो लेके मुझे भेज देना 7 बजे तक। उसके बाद मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा कि किस वजह से आप नहीं भेज पाए। सिर्फ उन्हीं लोगों को नोट्स जाएंगे जो लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे। ठीक है।